हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर 4 है, जिसका टाइटल है द होम कमिंग, जिसके लिए लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन राइटर हैं, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1861 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। लेसन का नाम जो है द होम कमिंग, होम होता है घर और कम होता है आना, और कमिंग हो जाएगा वापसी, या कह सकते हैं घर की वापसी या घर के लिए वापस आना। तो इसकी कहानी की बात की जाए तो होता क्या है, कुछ करैक्टर दिखाए गए हैं इसमें। जैसे एक तो है, सबसे पहला करैक्टर है फटिक, ठीक है। दूसरा करैक्टर है, उसका भाई है माखन, और फटिक की माँ है, और फटिक की माँ है, और जो ये माँ है, माँ इसका भाई है। जब फटिक की जो माँ है, मतलब फटिक की और माखन, इन दोनों की माँ कौन है, माँ का नाम नहीं दिखाया गया है। फटिक की और माखन की माँ है एक, और उसकी माँ का भाई है, जो कि फटिक का और माखन का कौन कहलाएगा, माँ माँ, दो माँ हो गई ये। मतलब फटिक का और माखन का मामा कौन है, ब्रदर इनका भाई, इसका नाम है बिसंबर या बिसाम्बर। तो ये करैक्टर है भाई पूरे थ्योरी में, इसमें कौन कौन से, फटिक, माखन और इन दोनों की माँ, और इसके मामा बिसंबर। एक नौकर भी दिखाया गया, उसका कोई खास रोल नहीं है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। कहानी स्टार्ट होती है फटिक से। फटिक जो है गांव के जो शरारती लड़के हैं उन सबका रिंग लीडर है, मीन्स मुखिया है। जो भी शैतानी करते हैं ये सब इसके साथ, इसका ही सिग्नल होता है, इसका हाथ होता है, तभी शैतानी करते हैं सब। एक दिन क्या होता है, फटिक और इसकी टीम पूरी डिसाइड, ये शरारत करने के लिए जाते हैं तो नदी के किनारे खेत होता है, वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ होता है। तो इनके दिमाग में शरारत आती है, क्यों ना इस लट्ठे को सब लोग पूरी ताकत के साथ नदी में गिरा दें, ये तैरता हुआ चला जाएगा, और जो लट्ठे का मालिक है, जिसका लट्ठा है ये, जब वो आएगा और हमें देखेगा कि हमने इनके लट्ठे को गिरा दिया है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा और उसे क्रोधित होएगा, या क्रोध आएगा, वह बड़ा नाराज होगा, और जब वह नाराज होगा हमें इसी बात में मज़ा आएगा। इतने शरारती थे ये। तो क्या हुआ, ऐसा ही करते हैं, तो फटिक और इसके सभी दोस्त, ये सभी क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो सब लोग एक दिन इकट्ठा हुए और बोले, अब जो है हम ऐसा करते हैं, इस लट्ठे को इकट्ठा होकर पूरी ताकत के साथ, 1 2 3 कहते हैं जो लगा कि आहिसा, तो 1 2 3 की आवाज़ के साथ पानी में गिरा देंगे। तो करता क्या है, अब फटिक ने जो है पूरा प्रोग्राम बना लिया कि हमें क्या करना है। तो फटिक है और उसकी पूरी टीम है, इन्होंने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा जैसे ही हम कहेंगे 1 2 3 और गो, जैसे ही कहेंगे गो तुरंत तो लट्ठे को गिरा देंगे नदी में। अब ये बोला 1 2 3 गो कहने वाला था, तभी फटिक का जो भाई था, इसका छोटा भाई जिसका नाम है माखन, ये माखन चोर आ गया, ये माखन आ गया और लट्ठे पर बैठ गया। अब जब ये लट्ठे पर बैठ गया तो ये फटिक जो है कहने वाला था 1 2 3 गो, जैसे देखा कि इसका भाई आकर बैठ गया तो इसने, ये सब लोग रुक गए, इसने बहुत कहा भाई हट जा हट जा, तो ये हटा ही नहीं। तो आखिर फटिक ने कहा भाई ऐसा करो, ये नहीं मानेगा, कोई बात नहीं है, लट्ठे के साथ साथ इसे भी नदी में गिरा दो। जैसे ही सुना इसने, माखन ने ये कह रहा है, तो ये तुरंत उठ गया, उठ गए और चला गया। जब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, माखन जो है छोटा था, लेकिन जब सब कुछ ये प्रोग्राम हो गया तो माखन ने फटिक को खूब मारा, लातों घुसे, मतलब लाते मारी, घुसे मारे, जो भी मारे, पिटाई लगा, घर रोता हुआ भाग गया। ये होशियार बहुत है छोटा वाला, मतलब माखन ने ही फटिक को मारा और अपने आप रोता हुआ घर चला गया, ताकि इसकी माँ को ये लगे कि फटिक ने उसे मारा है। फिर क्या हुआ, जब ये घर पहुँचा तो जो इन दोनों की जो माँ है, मदर, उसकी मदर ने बुलवाया अपने नौकर से, उसकी माँ ने नौकर से फटिक को बुलवाया, तो फटिक नहीं गया, तो नौकर ने भी खूब मारा इसे और चले आए। जब घर पहुंचा तो माखन ने कहा कि माँ इसने मुझे मारा है, तो उसकी माँ ने भी उसे मारा, जमकर मतलब धोबी घाट धोते हैं, कपड़े धोते हैं धोबी, ऐसे ही से धोया अच्छी तरह से। अब क्या हुआ,
पिटाई लगी कोई बात नहीं है, ये तो खिसिया के चला गया बाहर, और बाहर बैठ गया जाकर नदी के किनारे, और क्या कर रहा था, जैसे मान लिया ये फटिक है, ये थोड़ा खा पी के मोटा हो गया ये फटिक, ये क्या कर रहा था, एक ये नदी कोई बह रही है यहाँ बैठ गया जाकर, तो घास तोड़ के बार बार उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी नीचे डाल रहा था, ताकि जैसे हवा चलती है जिधर हवा जा रही थी पत्तियाँ घास की पत्तियाँ उधरी मुड़ रही थी या उधरी उड़ रही थी। फिर क्या हुआ, ऐसे ही बैठा था, तभी एंट्री होती है नए करेक्टर की जिसका नाम है विशंबर, विशंबर या विशंबर कह सकते हैं, ये है, ये कौन है, फटिक्का और माखन इन दोनों का है मामा। ये आया, अब ये आया किसके पास, फटिक के पास आया, फटिक से बोला भैया यहाँ पर चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि फटिक है, माखन है, उसकी माँ है, विशंबर, ये सब चक्रवर्ती फैमिली है। तो पूछता भाई चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, तो जो फटिक है ये ऐसे इशारा कर देता है अनिच्छा से कि जाओ भाई उधर उधर रहता है। फिर क्या हुआ, फिर उसने पूछा भाई सही से बताओ, तो पैर उठाकर लहराता है हवा में, कहता है देख लो इधर है उधर इधर है, मतलब सही से स्पष्ट क्लियरली बताता नहीं है। बेचारा विशंबर चला जाता है ढूंढ ढूंढते हुए, खोजते ढूंढते चला जाता है, पहुँच जाता है अपनी बहन के यहाँ, मतलब इनकी माँ के पास या इनके दोनों घर के पास, या घर चला जाता है। पहुँचने के बाद में इसकी बहन जो है इसका स्वागत करती है, इसके पैर छूती है, रस्म होती हुई इनकी, जहाँ पर अपनी बहन जो भाई के पैर छूती हो, पैर छूती है और घर में मतलब नाश्ता वगैरह कराती है कुछ। अब जब ये आया तो ये चौंक गया, फटिक आया, बोला अरे भैया ये कौन है, ये तो मुझे वही मिले थे, ये शर्मा गया थोड़ा। तो उसने पूछा, इसके विशंबर दयाल हैं ये मामा इनके, उन्होंने पूछा भी इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो फटिक की जो माँ है तारीफ करती है माखन की, कहती है माखन तो ऐसा शुद्ध है ऐसे सोना, और ये तो मिट्टी है मिट्टी फटिक। तो ये कहती है विशंबर की माँ कि ये फटिक से बहुत परेशान है, पूरा गांव परेशान है, ये बहुत महाशैतान कर शैतानी कर रहा है ये। तो फटिक के मामा ये कहते हैं तो ऐसा ना करें भाई, हम कलकत्ता रहते हैं तो हम कलकत्ता ले जाएं इसे। तो ये सुनकर वो फटिक से पूछता है, फटिक बहुत खुश हो जाता है कि चलो जान छूटी, कुछ दिन जो है सही से रहने को मिलेगा और गाँव छूट जाएगा। तो वे डिसाइड करते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इसे फटिक को ले जाएंगे कलकत्ता, वहीं हमारे दो बच्चे हैं उनके साथ रहेगा। अब जो है फटिक रोज़ पूछता है मामा कब चलेंगे, मामा कब चलेंगे, तो मामा कहते हैं बेटा चलेंगे। तो एक दिन बताते हैं उस दिन चलेंगे, जब वो दिन आया तो कहता है मामा आज चलेंगे, बोले हाँ आज चलेंगे। तो सब लोग तैयार होते हैं, ये बहुत खुश फटिक, तो इतना खुश था जिन्हें कितना परेशान था कि अपने जैसे कि अपनी माँ से ज़्यादा परेशान हो, परेशान भी था। फिर क्या हुआ, ये जब पूरी तैयारी हो जाती है तब चल देते हैं ये, अब कहते हैं अब चलते हैं मामा के साथ। अब वो तैयार हो गए सब लोग, उसके बाद क्या हुआ, जब तैयारी पूरी हो गई, एक तरफ उसकी माँ जो है खुश भी थी, चलो शैतानी करता है बच्चे, एक तरफ उसके दिमाग में ये भी था कि ये बहुत उतावला हो रहा है जाने के लिए, इसे इतना बुरा लगता है यहाँ पर, लेकिन उसने रोका नहीं, चला गया। अब जब वहाँ पहुँचा, उसने ये सोचा था कि जो विशंबर के मामा हैं उनकी पत्नी, मतलब इनकी मामी, लड़कों की फटिक की मामी, कि उसे वेलकम करेंगे, अच्छा स्वागत करेंगे, लेकिन वो तो और नाराज़ हो गई। ये कह सकते हैं एक नागिन तो एक महानागिन, उसकी सगी माँ नागिन तो वो होगी महानागिन, वो तो देखती खोल के बोली किसे उठा लाए, ये घूरा कहाँ से ले आए कूड़ा करकट। तो उसने बताया ये भांजा है हमारा, बोले भांजा तो क्या करें चाटें से, बोले कोई बात नहीं है ये हमारे बच्चों के साथ रहेगा। तो बोले तो बच्चे किसके साथ रहेंगे, बोले बच्चे इसके साथ रहेंगे। तो उसकी मामी फिलहाल बहुत खुश, बिल्कुल खुश नहीं हुई उसे देख कर, और हर बात में उसे ताने मारती थी, वो परेशान हो गया बिल्कुल। एक दिन स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद में उसने अपनी किताबें खोदी, उसने अपनी मामी को बताया गया, तो मामी जो नागिन थी महानागिन, उन्हें पड़क पड़क कर मारा उसे, तो किताब लेके दे दी। और कुछ दिन बाद उसने किताब फिर खो दी, किताबें ज़्यादा खोता था कुछ, किताब फिर से खो दी उसने। फिर क्या हुआ, उसने ये सोचा अब किताब क्या करूँ, घर बताऊँगा तो मामी मारेंगी, और नहीं बता रहे हूँ तो अध्यापक मार रहे हैं, पटक पटक कर धोबी की तरह धो रहे हैं कपड़े। तो उसने सोचा क्या करा जाए, तो बताया ही नहीं, उसने बताया नहीं, तो खूब पिटाया डेली। जब खूब पिटाया तो उसके जो ममेरे भाई थे वो दोनों नाराज़ हो रहे थे, उन्हें बुरा लगता था, उनकी बेइज्जती होती थी, लोग पूछते थे कौन है, बोले तेरा रिश्तेदार है, ये पिटाया पटक पटक के। तो उसने क्या किया, फिर ये निश्चय कर लिया, बोले कोई बात नहीं, वो काऊँगा ही नहीं। अब उसने ये बार बार अपने जब घर पहुंचा तो बार बार अपने मामा से पूछता था, मामा हम घर कब जाएंगे। अब ये चाहता था अपने घर जाना, क्यों, कलकत्ता में ना तो कोई टहलने के लिए या साथ खेलने के लिए शरारत करने के लिए लड़के थे, और ना ही कोई खुले हुए मैदान थे, क्योंकि हर तरफ शहरी शहर मकान बिल्डिंग बनी हुई। तो ये परेशान हो गया, इसे ऐसा लगा कि इसके जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों में कोई फ्रेश या ताज़ा हवा भी उन्हें नहीं मिल पा रही है।
अब इसने सोचा अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मामा से पूछा मामा कब जाएंगे, तो मामा इसे कहते हैं बेटा छुट्टियाँ आएंगी तब जाएंगे, जब हॉलीडे आ जाएंगे तब चलेंगे हम। तो इसने सोचा हॉलीडे में बहुत समय है, तो इसने निश्चय कर लिया, बोले मैं जा रहा हूँ। तो चल दिया एक दिन, भीगता हुआ भीगता भागता एक दिन, अब जब स्कूल से जब छुट्टी हो गई तो घर तो आया नहीं, घर पर आया नहीं, तो इसके जो मामा थे बिसम्बरी बहुत परेशान, लेकिन इसकी जो मामी थी उन्हें कोई टेंशन नहीं है, मामी ने कोई चिंता नहीं की, उसकी मामी इन्हों कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन इसके मामा को बहुत टेंशन हुई। बोले पता नहीं क्या बात है, उन्होंने हर जगह उसे खोजा मिला ही नहीं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी। तो शाम के टाइम क्या हुआ, दो पुलिस वाले आए माखन को लेकर, वो सॉरी फटिक को लेकर आए। फटिक पूरा गीला, बारिश हो रही थी भयंकर, गीला हुआ भीगा था, बुखार था बहुत तेज़, और दो पुलिस वाले लेके आए उसे घर कर गए। बोले संभालो भाई इसे, अपना इंतजाम संभालो ये, और उन्हें रख लिया, वो चले गए। चले गए उसकी मामी फिर ताने मार रही, बोली कहाँ ये पूरा बोझ ले आए हो, पूरे कलेश की पुड़िया ले आए हो, ये खा मखा जिसने जहाँ से लेके आया वहीं फेंक के आना इसे। मतलब उसके प्रति जो मामी थी उसकी, फटिक के प्रति उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी, और जबकि फटिक की हालत ज़्यादा ख़राब थी। अब फटिक की हालत और क्रिटिकल हो गई, बहुत कंडीशन ख़राब हो गई, डॉक्टर को बुलाया गया, लगातार कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, बेड पर पड़ा हुआ था वो। अब उसके मामा के दिमाग में ये आया कि इसकी मम्मी को बुला लिया जाए, यानी अपनी बहन को बुला लूँ मैं। तो उसने सोचा जब इसकी माँ आ जाएंगी, तो ये बार बार कह रहा था कि मतलब इसके मुँह से केवल एक ही बात निकल रही थी कि मामा छुट्टियाँ कब आएंगी, बहन विल द हॉलीडे कम, कि छुट्टियाँ कब आएंगी, क्योंकि इसने सोच लिया था कि हाँ मामा कह रहे हैं कि बेटा छुट्टियाँ जब आ जाएंगी तब तुम्हारे घर चलेंगे हम। अब उसने सोच लिया छुट्टी आ जाएंगी तभी तो जाएंगे, तो बार बार पूछ रहा था छुट्टियाँ कब आएंगी। तो बिस्तर पर पड़ा हुआ था बीमार, हालत बहुत क्रिटिकल थी, तब भी कह रहा था कि मामा जी छुट्टियाँ आ गई क्या। अब इसके मामा ने इसकी मम्मी को या अपनी बहन को खबर पहुँचवाई, वो रोती हुई आई, और जब बेचारा बेटे पड़ा हुआ था तो वो बहुत रो रही कि मेरे फटिक बेचारे फट गए, और चीखते चीखते चली आई, लिपट गई उससे। लेकिन वो बेचारा बेड पर पड़ा हुआ था और उसकी आँखें निहार रही थी सीलिंग छत के लिए, और लास्ट में उसके मुंह से केवल यही बात निकली कि माँ या मामा जी बहन बिल द हॉलीडे कम, छुट्टियाँ कब आएंगी, इतना कह के बेचारे फटिक एक्सपायर हो गए या मर गए। ये कहानी थी आपकी द होम कमिंग की। तो कहानी मैंने पूरी बता दी आपको, अब शुरू करते हैं इसका लेसन। लेकिन अगर चाहें तो ये देख सकते हैं अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन द होम कमिंग, जो होम कमिंग है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, वी हैव कम द थीम, हमारे पास कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष का थीम विषय, संघर्ष का विषय है, कंट्रोल का विषय है, जिम्मेदारी का विषय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, प्रेम का विषय है, और आइसोलेशन होता है एकांत का विषय है। आइसोलेशन तो वर्ड इतना फेमस हो गया भैया कि जो कोरोना आया अभी कोरोना के चक्कर में, कि हर किसी को आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेट वो कि वो आइसोलेशन में है, तो वही है कि जो उसकी थीम है वो थीम कन्फ्लिक्ट संघर्ष की है, कंट्रोल की है, जिम्मेदारी की है, प्रेम की है और एकांत की है। ये जो उनके स्टोरी कलेक्शन है उससे लिया गया है, जिसे नरेट किया गया थर्ड पर्सन द्वारा, मतलब तीसरे व्यक्ति के द्वारा, जो कि अननेम्ड नरेटर है। शुरू से लेकर कहानी जो है, रीडर ये समझ जाता है कि टैगोर एक नया कन्फ्लिक्ट का विषय खोज रहे हैं। माखन जो है सुन रहा था फटिक के लिए, जब वह उससे कहता है कि लट्ठे पे से उठ जा, फटिक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दोष देते हैं कि वह उसने भाई को मारा है, और ब्रिंगिंग जो कन्फ्लिक्ट संघर्ष लाता है होम घर पर, घर लाने के लिए, फटिक की माँ जो है उनमें जिम्मेदारी का अभाव है जो कि आवश्यकता है फटिक को आगे बढ़ने के लिए। वह ये चाहती है कि फटिक कलकत्ता चला जाए अपने अंकल के साथ, बिसम्बर के साथ। फटिक का स्कूल डेज जो था कलकत्ता में बरसों माजदेव इतना दयनीय था, अक्यूजन फॉरम उसके लिए जो अवसर था, द यूनिटी जो एकता दैट फटिक हैड इन विलेज, जो एकता या गांव के बच्चों का समूह जो उसे गांव मिलता था, अब ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता, भाई उसे कलकत्ता में नहीं मिल रहा था। ए डिफ़िकल्ट रोल फॉर एनी 14-year-old बॉय, एक किसी भी 14 वर्ष के लड़के के लिए कठिन रोल है ये, टू प्ले पार्टिकुलरली अलग खेलना, बहन दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, जब उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, दैट दे नीड फ्रॉम एडल्ट, जब उसे चारों तरफ युवा बच्चों की या एडल्ट बच्चों की आवश्यकता होती है, एडल्ट लोगों की आवश्यकता होती है। फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक अपने गांव को मिस करता है, ये नोटिसेबल देखने योग्य है बाई द फैक्ट, इस तथ्य के साथ दैट अटेम्प्ट, जो प्रयास करता है टू वॉक होम, घर जाने का, टू विलेज गाँव के लिए, बट लेकिन इंस्टीट मैनेज टू मेक हिमसेल्फ सिक, लेकिन अपने आप को बीमार करने के लिए, या इंस्टीट इसके बजाय मैनेज व्यवस्था करता है टू मेक हिमसेल्फ सिक, ताकि वह बीमार पड़ जाए। उसने सोचा बीमार पड़ जाऊँगा तब पहुँच जाऊँ।
आगे द एंड ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का एंड है वह इंटरेस्टिंग है, एज इट बिकम क्लियर, जैसा कि क्लियर हो जाता है टू द रीडर पाठक के लिए, दैट फटिक ड्यू टू हिज इलनेस इज डिल्यूशन, अपनी बीमारी के कारण परेशान है, इट इज देयर बेयर द ब्लेम ऑफ फॉर फटिक्स प्रीमेचर डेथलेस, ये एक दोष लग जाता है क्योंकि उसकी डेथ जो है समय से पहले हो जाती है। नाइदर वुमेन हैज शोन फटिक, ना तो वुमेन जो फटिक को दिखा सकी कि प्रेम डिजर्व जिसका पात्र था और नीडेड जिस प्रेम की उसे आवश्यकता थी। द ऑथर पॉसिबली सजेस्टिंग दैट, लेखक ये सुझाव दे रहा है दैट फटिक शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ द विलेज, कि फटिक को नेवर कभी नहीं, शुड हैव बीन टेकन ले जाया जाएगा विलेज गांव से बाहर एनवायरमेंट में, ही यूज टू गो जहाँ वो जाया करता था, ही वाज ए लवर ऑफ नेचर, वह प्रकृति प्रेमी था, बट ही एंडेड हिज लाइफ सराउंडेड बाई द वॉल्स ऑफ कलकत्ता, लेकिन उसने अपने जीवन को कलकत्ता की गलियों में ही या कलकत्ता की दीवारों के बीच में ही समाप्त कर दिया। ये थी कहानी इसकी जो मैंने इन शॉर्ट बता दी, कहानी वैसे ही बता दी मैंने आपको। अब शुरू करते हैं लेसन द होम कमिंग, स्टार्टिंग है फटिक चक्रवर्ती। फटिक चक्रवर्ती वाज था रिंग लीडर मुखिया एमोंग में द बॉयज लड़के ऑफ द विलेज गांव के, फटिक गांव के सभी लड़कों का एक मुखिया था। अ न्यू मिस्चीफ, एक नई शरारत गोट इनटू प्रवेश किया हिज हेड सिर में, या उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत आई। देयर वाज था अ हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा था लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, जो कीचड़ में नदी के पास में पड़ा हुआ था, बेटिंग प्रतीक्षा कर रहा था टू बी सेव्ड, कि उसकी आकृति बन जाए इंटू अ मस्ट, एक नाव की तरह, फॉर ए बोट, एक मतलब नाव की एक इस सेप्ड आकृति बन जाए। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया दैट कि दे शुड ऑल वर्क टूगेदर टू शिफ्ट द लॉग, वे इस लट्ठे को शिफ्ट करने के लिए पूरा जोर या ताकत लगाएंगे, एक साथ काम करेंगे बाई मेन फोर्स, मुख्य ताकत के साथ, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से गिराने के लिए, रोल इट अवे, इसे लुड़काने के लिए एक साथ काम करेंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग, जो जिसका ये लॉग लट्ठा है उसका जो मालिक है, वुड बी एंग्री, वह नाराज होगा, एंड सरप्राइज्ड, और उससे बड़ा आश्चर्य होगा, एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन, वे सब उस फन का आनंद लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, उसके सुझाव के प्रत्येक व्यक्ति या उसका जो सुझाव था उसके पीछे प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया, एंड इट वॉज कैरिड अनिवर्सली, और इसे किया गया या इसे आगे बढ़ाया गया। जो ये था मास्ट, ये होता है कह सकते हैं खम्बा, यानी खम्बे की तरह लगता था। अगर इसका पूरा अर्थ देखा जाए तो ये हो जाएगा कि फटिक चक्रवर्ती गांव के सभी लड़कों का मुखिया था, ये उसके दिमाग में एक नई शरारत आई, उसने एक भारी लट्ठा था जो कि कीचड़ में नदी के पास में पड़ा हुआ था, जो आकृति लग रहा था एक खम्बे की एक या एक नाव की, उसने निश्चय कर लिया कि पेशा इसी पर काम करेंगे, और उस लट्ठ को या इस लकड़ी को पूरी ताकत के साथ इसके स्थान से लुड़का देंगे, और जो लकड़ी का मालिक है उसे आश्चर्य होगा या भाई नाराज होगा, इसी में हमें आश्चर्य होगा, और पेशा उस फन का आनंद लेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति उसके सुझाव के पीछे खड़ा हो गया, और इसे एकमत होकर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, बट लेकिन एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, एज जैसे ही द फन आनंद वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही हंसी मजाक शुरू होने वाली थी, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, जो फटिक का छोटा भाई था, सॉन्टर्ड अप आ गया एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और लट्ठे पर बैठ गया। मतलब जैसे ही ये शरारत शुरू होने वाली थी तो फटिक का जो छोटा भाई था वह आ गया और वह सीधा खड़ा हो गया, या कह सकते हैं सॉन्टेड, चहल पहल करने लगा और लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, आल विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, द बॉयस लड़के बर थे पुजल्ड परेशान फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए या एक क्षण के लिए, जो उसके दोस्त थे या मित्र थे या लड़के थे वो कुछ परेशान हो गए। ही वाज पुश्ड, उसे धक्का दिया गया, रेदर टिमिडली, कुछ कायरपन से, बाय वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से किसी एक लड़के के द्वारा उसे धक्का दिया गया, एंड टोल्ड, और बताया गया टू गेट अप, की खड़ा हो जाए, बट लेकिन ही रिमेनड क्वाइट अनकंसर्नड, लेकिन भाई बिना किसी सचेत के ऐसे ही बैठा रहा। ही अपीयर्ड, भाई ऐसा लगा लाइक अ यंग फिलोसफर, भाई ऐसा लगा माना कि कोई एक दार्शनिक हो,
मेरी एक्टिंग ध्यान दे रहा हो या ध्यान में लीन हो ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेल के लाभ पर। फटिकबाज फ्यूरियस, फटिक बड़ा क्रोधित था। माखन ही क्रैड, वह चिल्लाया माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इसी मिनट में यहाँ से नहीं उठे आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हें भी धक्का दे दूंगा। आगे माखन बाज था, ओनली केल मूव्ड हटा टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन, एक और ज़्यादा आराम से बैठने के लिए थोड़ा हटा लेकिन उठा नहीं। नाउ अब इफ़ यदि फटिक बाज कीप, फटिक रखता हिज रीगल डिग्निटी, अपने गौरव को बनाकर रखता बिफोर द पब्लिक, पब्लिक कोई जनता, जनता कौन सी है जो लोग वहाँ पर थे उनके सामने, यदि फटिक अपने गौरव को उनके सामने बनाकर रखता। ये जो रीगल है इसका मतलब होता है, कह सकते हैं रीगल, ये रीगल मीन्स शाही, यानी शाही, और डिग्निटी क्या होता है गौरव। यदि वह अपने शाही गौरव को बनाकर रखता तो उसके लिए आवश्यक था, इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, तो वह अपनी धमकी को पूरा करे, जो उसने धमकी दी थी कि अगर तुम एक मिनट के अंदर यहाँ से नहीं हटे तो मैं तुम्हें भी धक्का दे दूंगा। अब कह रहे हैं यदि उसका जो गौरव शाही गौरव बनाकर रखता तो ये स्पष्ट था कि वह अपनी धमकी को पूरा करे, मतलब धक्का उसे दे दे। बट लेकिन हिज करेज फेल्ड हिम, उसके साहस ने उसे असफल कर दिया, एट दिस क्राइसिस, ऐसे अवसर पर, ऐसे मतलब उसके साहस ने ऐसे अवसर पर उसे फेल कर दिया या उसे असफल कर दिया। जो मीनिंग है आपका क्राइसिस, ये क्राइसिस जो है इसका मतलब होता है संकट है या संकट काल है, संकट काल या संकट सब्जी होते हैं, तो कह सकते हैं ऐसे संकट में उसके साहस ने उसे असफल कर दिया। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका उपजाऊ मस्तिष्क या अच्छा काम करने वाला मस्तिष्क, हाउएवर रैपिडली सीज्ड, कुछ जाम हो गया, जकड़ गया उसका मस्तिष्क, जकड़ गया अपान अ न्यू मेनूवर विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर एंड एफर्ट हिज फॉलोअर्स एंड एडेड एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट मीन्स आनंद, और जो है एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है दे सकना, और बाकी ये एफर्ट होता है दे सकना, मतलब जैसे कहते हैं कि मैं, जैसे कोई कुछ खरीदता है, घर खरीदता है तो कहता है मैं इसे और अफोर्ड नहीं कर सकता, या कुछ भी सही, फिलहाल एफर्ट होता है दे सकना या देना, ये हो जाता है। और बाकी आपका बचा ये मैन्यूवरी, इसका हिंदी मीनिंग होता है चाल, मतलब कौशल या युक्ति कुछ कह सकते हैं, तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि उसका मस्तिष्क जो जकड़ गया एक नई चाल के साथ जो कि डिस्कम्फर्ट अनुपयुक्त थी, हिज ब्रदर उसके भाई के लिए, एंड एफर्ट हिज फॉलोअर्स अपने सहकर्मियों को देना है, अपने मित्रों से कहा, एंड एडेड अम्यूजमेंट और आनंद को आगे बढ़ाया, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने कमांड यानी आज्ञा दे दी टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टूगेदर, मतलब लट्ठे के साथ साथ या माखन के साथ साथ लट्ठे को भी गिरा दो या लट्ठे के साथ साथ माखन को भी गिरा दो। माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने ऑर्डर सुना, एंड मेरिट पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान के साथ टू स्टिक ऑन खड़ा हुआ, बट लेकिन ही ओवर लुक द फैक्ट, उसने पूरी सच्चाई को देखा, लाइक दोज उनकी तरह हु अटेम्प्ट अर्थली फेम, जो सांसारिक प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, इन अदर मैटर्स दूसरे मामलों में, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, दैट जो बाज था पेरिल, मतलब पेरिल का मतलब होता है, एक होता है पैरेलल वो समानांतर, ये पेरिल होता है, इसे ही बोलते हैं संकट, इसका मतलब होता है संकट, तो क्या मतलब हो जाएगा कि ऐसे मामलों में देयर वाज नॉट पेरिल इन इट, इसमें कोई संकट नहीं था, कि इसमें कोई संकट नहीं था। आगे द बॉयज, लड़कियों ने बिगेन टू हीव द लॉग विद ऑल देयर माइट, माइट मीन्स चाहिए, और इसी माइट का मतलब होता है ताकत या शक्ति, पूरी शक्ति के साथ, तो क्या हो जाएगा द बॉयज, लड़कों ने बिगेन टू हीव, हीव मीन्स होता है लहराना, उतार चढ़ाना, जोर लगाना, या कह सकते जोर लगाना शुरू कर दिया, लोग लट्ठे पर जोर लगाना शुरू कर दिया विद ऑल देयर माइट, पूरी ताकत के साथ, लड़कों ने पूरी ताकत के साथ उस पर जोर लगाना शुरू कर दिया, कॉलिंग आउट पुकारते हुए, 1 2 3 गो, 1 2 3 और जा, एट द बट गो, जैसे ही उसने शब्द कहा गो, द लॉग बेंट, लट्ठा चला गया, एंड विद इट, इसके साथ बेंट माखन फिलोसफी, माखन का दार्शनिक या दर्शन शास्त्र भी चला गया, ग्लोरी उसकी शान सौ को चली गई, एंड ऑल और सब कुछ चला गया।
ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे सभी लड़के शॉर्टेड देमसेल्स, अपने आप पर स्वयं चिल्लाए, हॉर्स कठोर शब्दों में विद डिलाइट, आनंद के साथ चिल्लाए। बट लेकिन फटिक वाज अ लिटिल फ्रैटनेड, लेकिन फटिक थोड़ा भयभीत था। ही न्यू, वे जान गया व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आ रहा है। एंड श्योर इनफ, काफ़ी उसे भरोसा था। माकर रोज फ्रॉम मदर अर्थ, मातृभूमि से या जमीन पर से माखन उठा, माखन जमीन से उठा, ब्लाइंड अंधा होकर, एज फैट भाग से, एंड स्क्रीमिंग लाइक ए फ्यूरीज, और परियों की तरह चिल्लाते हुए। ही रश्ड एट फटिक, ही वह रश्ड दौड़ा, एट फटिक फटिक की ओर, वह फटिक की ओर दौड़ा। वो सॉरी ये तो सही है इतना, यहाँ पर जो बताया था अभी फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब था प्रकोप, ये बहुत मीनिंग आ रहा है, संकट है, प्रकोप, प्रकोप होता है ये, तो क्या मतलब हो जाएगा कि जैसे स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, लाइक अ फ्यूरी यानी प्रकोप, या कह सकते हैं सर्प केसी देवी या संकट की देवी, प्रचंडता बोलते हैं इसे। ही रश्ड एट फटिक, बाय फटिक की दौड़ा, एंड स्क्रैच फेस, उसके चेहरे पे स्क्रैच मार दिए, स्क्रैच लग गए, उसने चेहरे पे ग्लास नहीं लगवाया होगा या स्किन गार्ड, मतलब उसके चेहरे पर स्क्रैच मार दिए। एंड बीट हिम, उसे पीटा, एंड किक्ड हिम, उसकी लातें मारी, एंड बेंट क्राइंग होम, और चिल्लाता हुआ घर चला गया, रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा इज ओवर, अब जो ड्रामा है ये चल रहा है, इसका फर्स्ट एक्ट समाप्त हो जाता है। आगे है, फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा पोछा, एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द सनकिन बार्ज, उस डूबी हुई चमकीली नाव के पास में बैठ गया, ऑन द रिवर नदी के बैंक, नदी किनारे, एंड बिगेन टू च्यू द पीस ऑफ ग्रास, च्यू होता है चबाना, द पीस ऑफ ग्रास, घास के उन पत्तियों को, टुकड़ों को चबाना शुरू कर दिया। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक बोट आई, उसने लैंड किया या जमीन पर आई। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, एक मध्ययुग का आदमी, विद ग्रे हेयर, जिसके ग्रे बाल थे, डार्क मस्टैक, काली मोछे थी, स्टेप्ड ऑन द शोर, वह समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आया। ही सा, उसने देखा, द बॉय, लड़के के लिए, सिटिंग, बैठा हुआ, देर वहाँ, डूइंग नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहा था, उसने देखा कि लड़का वहाँ बैठा हुआ है जो कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, बेहर द चक्रवर्ती, कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक बेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटिक घास को चबाता रहा, एंड सेट, कहा, ओवर देर, उधर यानी वहाँ। बट लेकिन इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये तो काफ़ी असंभव था, टू टेल भेजी पॉइंटेड, टू टेल ये बताना भेजी पॉइंटेड कि उसने इशारा कहाँ किया। ही आस्क्ड हिम अगेन, उसने उससे यानी उस व्यक्ति ने उससे दोबारा पूछा। ही स्विंग ऑफ हिज लेग, उसने अपने पैरों को लहराया, टू एंड फ्रो, ये ईडीएम है, टू एंड फ्रो, इधर उधर, उसने अपने पैरों को इधर उधर लहराया। ऑन द साइड ऑन द बार्ज, नाव की तरफ, सेट, कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ पता लगा लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, पहले की तरह घास को चबाता रहा। बट नाव, लेकिन अब, अ सर्वेंट केम डाउन, एक नौकर आया, फ्रॉम द हाउस, घर से, अब उसके घर से एक नौकर आया, एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को बताया, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती हैं। फटिक ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू मूव, हिलने से, फटिक ने वहाँ से हिलने से भी मना कर दिया। बट लेकिन द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन द ऑकेजन, ये जो लिखा है ऑकेजन, ये ऑकेजन का मतलब होता है अवसर, लेकिन ऐसे अवसर पर जो नौकर होता है वह भी मालिक है। ही टुक फटिक अप रफली, उसने रफली कठोरता से फटिक को उठाया, एंड कैरिड हिम, उसे ले गया, किकिंग लात मारते हुए उसे ले गया, एंड स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, एंड इम्पोर्टेंट, रेक इम्पोर्टेंट होता है हिजड़ा या किन्नर के क्रोध में, जैसे किन्नर बहुत नाराज हो जाते हैं उसके क्रोध में। बेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में आया, हिज मदर साहिम, उसकी माँ ने उसे देखा, सी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, एंग्रीली नाराज होते हुए, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुम दोबारा माखन को पीटा, या तुमने दोबारा माखन को पीटा है। फटिक ने आंसर उत्तर दिया, इंडिग्नेटली क्रोधित होते हुए या नाराज होते हुए, नो नहीं, आई हैव नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया है, हु टोल्ड यू दैट, तुम्हें ये किसने बताया। आगे है, हिज मदर शॉर्टेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइस, मतलब झूठ मत बोलो, हैव यू या यू हैव, तुमने किया है। फटिक ने सैड कहा, फटिक ने कहा, सडनली नाराज, मतलब अचानक कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई हैव नॉट, कि मैंने ऐसा नहीं किया है। फटिक ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछती हो, बट माखन थॉट, लेकिन माखन ने सोचा, इट बेस्ट टू स्टिक, ये अच्छा तरीका है, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस पिछले स्टेटमेंट होता है कथन, पिछले कथन, यहाँ पर कथन का मतलब ये हो जाएगा कि पिछली बातों का बदला लेने का ये अच्छा मौका है।
ही सैड, उसने कहा यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा। फटिक्स पैसेंस, फटिक का धैर्य, वाज ऑलरेडी पहले से एक्सहॉस्टेड, हतोत्साहित हो गया या टूट गया, वैसे कोई थक जाता तो कहते हैं हतोत्साहित हो जाना, एक्सहॉस्टेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि फटिक का धैर्य पहले ही बांध, उसके बांध टूट चुके थे या ऑर्डरहीन था या अनियंत्रित था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह यह अन्याय नहीं सुन सकता था। ही रस्ड एट माखन, वह माखन की ओर दौड़ा। एंड हैमर्ड होता है मुक्के मारे, हेम उसके विद ब्लोज, ब्लोज था थप्पड़, उसके मुक्के मारे और थप्पड़ मारे। टेक दैट, इसे ले जाओ। ही क्रैड, वह चिल्लाया। एंड दैट वह, एंड दैट वह फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, झूठ बोल रहा है इसे ले जाओ। हिज मदर टुक माखन साइड, तुरंत उसकी माँ माखन की तरफ हो गई। इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, एंड पुल्ड, फटिक को धक्का दे दिया अबे दूर। बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से। बहन फटिक पुश्ड हर एसाइड, जब फटिक ने भी उन्हें एक तरफ धक्का दे दिया। सी शाउटेड आउट, तब वह चिल्लाई, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलन, तुम छोटे से गद्दार, वुड यू हिट योर ओन मदर, तुमने अपनी सगी माँ के धक्का मारा या मारा। इट वॉज जस्ट एट द क्रिटिकल इंजंक्चर, इट, ये बाज था जस्ट, जस्ट के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, जस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल। एट दिस क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन होता है काव्यगत, और एक क्रिटिकल होता है मतलब गंभीर, कहते हैं कंडीशन जो गंभीर है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो जंगटर है, इसकी हिंदी होती है, एक होता है मोड़, इसका एक मतलब होता है मोड़, और इसका एक मतलब होता है समय, और समय नहीं देखता परिस्थिति, ये भी होता है। तो क्या हो जाएगा, इट वाज, ये था जस्ट दिस क्रिटिकल जंक्टर, या ये एक गंभीर समय था। दैट ग्रे हेड स्ट्रेंजर अराइव्ड, कि तभी एक ग्रे बाल वाला स्ट्रेंजर अजनबी आ गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मामला है, उसने पूछा कि क्या मामला है। ये वही था जो भी फटिक को मिला था नदी किनारे, पूछ रहा था चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक ने लुकड, देखा सीफिस भेड़ की तरह, एंड असेम्ड, और शर्मा गया या शर्मिंदा हुआ। बट लेकिन बहन, जब हिज मदर स्टेप बैक, उसकी माँ थोड़ा पीछे हटी, एंड लुकड, देखा एट द स्ट्रेंजर अजनबी को, और उस अजनबी को देखा। हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, जो उनका गुस्सा था वह आश्चर्य में बदल गया। फॉर, क्योंकि, सी रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचान लिया, हर ब्रदर अपने भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्रैड, चिल्लाई, और वह चिल्लाई, भाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए। एज, जैसे ही, सी सेड, उसने कहा दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा, सी बोर्ड, वह झुकी टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैर छुए या उसके पैर स्पर्श किए। हर ब्रदर, उसका भाई, हैड गॉन अवे सून, चला गया था, आफ्टर सी हैड मैरिड, जब उसकी शादी हो गई थी, किसकी, फटिक की माँ की, यानी अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद चला गया था। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और उसकी जो बहन थी यानी फटिक की और माखन की माँ, उसने अपने पति को खो दिया था। व्हाइल सी वाज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में थी। बिसाम्बर हैड नाउ, बिसाम्बर अब कम आया, बैक वापस टू कलकत्ता आया। एंड हैड सम इंक्वायरीज अबाउट, कुछ पूछा हिज सिस्टर, और कुछ अपनी बहन के बारे में पूछा। ही हैड देन, तब हैस्टनड, जल्दबाजी की टू सी हर, उन्हें देखने की उसने जल्दबाजी की। एज सुन एज, जितनी जल्दी, ही फाउंड, वह पा सकता था, भेर सीवाज की, वह कहाँ है। आगे है द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वर फुल ऑफ रिजॉइस, अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्किड, द ब्रदर माने या भाई ने आस्किड पूछा, जब जो लिखा है आपका आफ्टर, इस आफ्टर का मतलब होता है बारे में, इसी आफ्टर का मतलब होता है पीछे, इसी आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बट इस लेसन में है आफ्टर का मतलब बारे में। उसने बारे में पूछा, द एजुकेशन, शिक्षा ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों की, तो उसने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड, ये पैसिव वॉइस है, उसे बताया गया बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा, उसे उसकी बहन के द्वारा ये बताया गया दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस, कि फटिक लगातार दूसरों को परेशान करने वाला है। ही वॉज लेजी, वह सुस्त है, डिसोबिडेंट अनज्ञाकारी, अनबिल्ड जंगली बेकार। बट माखन वॉज एज गुड, लेकिन जो माखन है भाई इतना अच्छा है जैसे कि सोना, कहते खरा सोना है मेरा काशी, वो खरा सोना है मेरा माखन।
एज क्वाइट इतना शांत है जैसे कि मेमना। एंड बी फाउंड ऑफ रीडिंग, बहुत पढ़ने का शौकीन है। बिसम्बर काइंडली सज्जनता से ऑफर दिया टू टेक फटिक टू हिज सिस्टर्स हैंड्स। फटिक बिसम्बर ने ये ऑफर दिया अपनी बहन को कि वह उसे उसके हाथों से ले जाए। एंड एजुकेट शिक्षित कराए हिम उसे विद हिज ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों के साथ पढ़ाएगा इन कलकत्ता में। द विडोड विधवा मदर माँ रेडली एग्री, बहुत जल्दी तैयार हो गई। बहन इज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा इफ़ ही वुड लाइक, क्या वह पसंद करेगा टू गो टू कलकत्ता जाना विद हिम उसके साथ। हिज जॉयस न्यू नो बाउंड, तब वह जान गया कि उसका जो जॉय था आनंद था वह सीमा से बाहर चला गया, बाउंड से बाहर चला गया। एंड ही सैड, और उसने कहा ओ यस हाँ अंकल मामा। इन अ वे इस तरह से ही दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, इससे काफ़ी क्लियर हो गया ही मीन्ट इट, कि उसका ही मतलब है कि वह जाएगा। नेक्स्ट पैसेज है इट वॉज इमेंस रिलीफ, इट ये वास्ता इमेंस होता है अत्यधिक रिलीफ आराम टू द मदर, माँ के लिए ये एक माँ के लिए बहुत बड़ा आराम था। टू गेट राइड ऑफ फटिक, की वह फटिक से छुटकारा पा ले। सी हैड, उसके पास था प्रेजुडिस, ये होता है पक्षपात, उसकी नज़र में या उस वह पक्षपात करती थी अगेंस्ट द बॉय, लड़के के विरुद्ध में। टू लव, प्रेम के लिए। वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, जो उन दोनों भाइयों में खो चुका था। सी वाज इन डेली इन फियर, उसे लगातार डर रहता था दैट कि ही वुड आइदर ड्रॉन माखन, या तो वह किसी दिन माखन को ड्रॉन होता डुबाना, या तो किसी दिन बट उसे डुबा देगा। इन द रिवर, नदी में। और ब्रेक हिज हेड, या उसका सर फोड़ देगा। इन अ फाइट, किसी लड़ाई में। और रन हिम इन टू सम डेंजर और अदर, या उसे किसी डंगर मतलब डेंजर, या उसे किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम, उसी समय सीवाज संभवत वह कुछ डिस्ट्रेस्ड, परेशान भी थी। टू सी फटिक्स एक्सट्रीम एगरनेस, फटिक की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर, एक्सट्रीम अत्यधिक एगरनेस उत्सुकता को देखकर टू गेट अवे, वह थोड़ा परेशान भी थी, यानी वह फटिक की वहाँ से जाने की इतनी तीव्र उत्सुकता को देखकर परेशान भी थी। फटिक एज सुन एज, जैसे कि आल वाज सेटल्ड, सब कुछ सेटल हो गया। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट पर अपने मामा से पूछता रहा। बहन दे बर्थ टू स्टार्ट, की वे यहाँ से कब स्टार्ट होंगे, कब चलना शुरू करेंगे। ही वाज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे, पूरे दिन वह आवश्यकता मतलब परेशान रहता था। लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना से। एंड ले बैक हिज बिग काइट, और उसने ले पड़ी हुई थी बिग काइट बड़ी पतंग। एंड हिज मार्बल्स, कांच की गोलियाँ। इंडीड, वास्तव में। एट दिस टाइम, इस समय के लिए। डिपार्चर, विदाई। एंड जनरसिटी, उदारता। टू वार्स माखन बाज अनवॉन्टेड, जो माखन के प्रति उसकी उदारता थी, जो क्योंकि फटिक अभी जा रहा है तो फटिक का माखन के प्रति उदारता, दया अनबाउंडेड थी, उसका कोई बाउंड नहीं था या उसकी कोई सीमा नहीं थी। आगे है बहन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे फटिक ने मेड द एक्वेंटेंस होता है परिचय बनाया ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने अपनी मामी से अपना परिचय बनाया। सी वाज बाय नो मीन्स, कोई मतलब प्लीज पर्सन, वह बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, उसके परिवार में आवश्यकता से या अतिरिक्त व्यक्ति आ गया है। सी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज, उसने खुद, मैंने कहानी बताई थी तो बताया था दो बच्चे हैं, सॉरी एक और है, ये तीन बच्चे हैं, तो काफ़ी मतलब उनके तीन बच्चे काफ़ी थे, इन्हें काफ़ी टू मैनेज संभालना विदाउट टॉकिंग एनी वन एल्स, बिना किसी दूसरे को लिए हुए। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड, और एक गाँव के लड़के को ले आए और 14 वर्ष के, इन टू देयर मिस्ट, उनके बीच में। बाज टेरेबली, ये काफ़ी अपसेटिंग, परेशानजनक था, मतलब उसके लिए उसके तीन बच्चे संभालना मुश्किल था, अब ये तीसरा उनकी फैमिली मोल लिया जो उनके लिए काफ़ी परेशानजनक था। बिसम्बर ने शुड रियली हैव थॉट, बिसम्बर को पहले ही सोचना चाहिए था ट्वाइस, दो बार, बिफोर कमिटिंग सच इंडिस्क्रिप्शन। इंडिस्क्रिप्शन होता है अविवेकी, यानी अविवेकी या ऐसा बेवकूफी का काम करने से पहले सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस मानव के संसार में देर इज नो वर्स न्यूसेंस, कोई अधिक बुराई नहीं है देन अ बॉय एट द एज, जब कोई लड़का इस एज में होता है तब उसके लिए। तो ये था आपका लेसन जो पूरा नहीं हो पाया, दो या तीन वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, जो कि लेसन था आपका होम कमिंग, जिसे कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।